यूपी में उपचुनाव का माहौल है, लिहाजा आपने इन दिनों कई नेताओं का रोड शो देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी पुलिसकर्मी का रोड शो देखा है? अगर नहीं तो आज देखिए एक ऐसे पुलिसकर्मी का रोड शो जो अपनी झूठी शान को दिखाने के लिए कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है और लोगों की जान को ताक पर रख रहा है। गले में फूलों की माला और लग्जरी कार में पुलिसकर्मी का ये रोड शो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हम आपको पूरा मामला बताएं, उससे पहले एक बार ये वीडियो देखिए। वीडियो में दिख रहा है पुलिसकर्मी बुलंदशहर का है। जानकारी की माने तो ये पुलिसकर्मी अपने तबादले का जश्न मना रहा है, लेकिन इस रोड शो का वीडियो वायरल होते ही ये सवालों के घेरे में आ गया। सवाल ये कि आखिर इस पुलिसकर्मी को रोड शो करने की इजाजत कहां से मिली, जब कानून के रखवाले ही इस तरह सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो लोगों से क्या उम्मीद करेंगे। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल औरंगाबाद थाना प्रभारी का तबादला एनसीआर से जुड़े हुए सिकंदराबाद कोतवाली में किया गया था। इस दौरान थाना प्रभारी ने गले में फूल पहनकर बकायदा औरंगाबाद में रोड शो किया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सिकंदराबाद प्रभारी निरीक्षक के राजपाल सिंह ने बताया कि औरंगाबाद थाने से तबादले के दौरान साथी पुलिसकर्मी ने विदाई समारोह का आयोजन किया था।